तो राधे राधे दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज नॉर्मल वाली। तो एक नया वर्ल्ड बनाते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे अपने वर्ल्ड में, बस हमें एक थोड़ा सा रिसोर्स पैक में जाके वो डालना है, ये शेडर्स एक्टिवेट करने हैं हमें। तो हमने एक्टिवेट कर लिया और जल्दी से एक कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेते हैं और एक बोनस चेस्ट ला के हम गेम को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने जो शेडस लगाए थे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपना बोनस चेस्ट निकाल लेते हैं और ये टॉर्चेस तोड़ते हैं हम, फिर चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक विलेज ढूंढेंगे जहाँ पे हम अपना घर बसा सकें, क्योंकि विलेज के पास घर बनाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज और विलेजेस मिल जाते हैं जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। इनका पॉकेट एडिशन में थोड़ा मैं नूब सा हूँ, तो फिर कंट्रोल्स करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर धीरे धीरे हम जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सीख जाएंगे खेलना। जब मैं थोड़ा आगे जाता रहता हूँ जब तक मुझे विलेज नहीं मिलता है, तो फिर जब विलेज मिलता है तब मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, हमें विलेज मिल चुका है और ये ढूंढते ढूंढते रात हो गई काफ़ी। तो हम जल्दी से इनके बेड पर जाके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, फिर हम अपने घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करेंगे। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी वुड क्लियर करके अपने घर बनाने के लिए शुरुआत कर दें। तो सबसे पहले हमें चाहिए ढेर सारी वुड, तो मैं मिलता हूँ आपको ढेर सारी वुड क्लियर करने के बाद। तो गाइस, हमने काफ़ी सारे पेड़ यहाँ से काट लिया और ये जंगल था थोड़ा सा, तो इसे हमने साफ कर दिया है। हमने अभी पूरा नहीं किया है ताकि हमें बाद में पता चल पाए कि कैसे होगा सब कुछ। तो हम सबसे पहले सामान थोड़ी सैपलिंग वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर इस जगह को प्लेन बनाते हैं शवल की मदद से। तो अब हम शवल एक बार क्राफ्ट कर लेते हैं, एक शवल, जिससे कि हम यहाँ की घास खोद सकें। तो यहाँ से थोड़ी सी घास हम यहाँ से वो करते हैं, निकालते हैं और फिर यहाँ पे इस तरफ लगा देंगे। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो गाइस, ये फिल हो चुका है, पर रात होती है तो हम जल्दी से सो के आते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसा घर बनाएंगे। ये घर जो मैं बनाने वाला हूँ, ये कोई वीडियो से नहीं बनाऊँगा, ये मैं अब सिर्फ अपने खुद से सोच के बनाऊँगा। तो ये क्या पता कैसा बने, तो आप कमेंट में बताएगा कि कैसा बना है। और जो भी जिसका भी इसमें को कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं उसका कमेंट अपने घर में लगाऊंगा। हमें खाने की कमी हो रही है तो हम जल्दी से फर्नेस बना लेते हैं। शायद हमारे पास इतना पत्थर नहीं होगा, तो कॉबलस्टोन नहीं है हमारे पास इतना, तो हम जल्दी से यहाँ पे एक माइन के लिए जगह बना लेते हैं ताकि हम यहाँ से कॉबलस्टोन निकाल सकें। पिकेक्स तो है ही मेरे पास, तो मैं इससे जल्दी से यहाँ से थोड़ा सा कॉबलस्टोन तोड़ लेता हूँ। इतना कॉबलस्टोन काफ़ी रहेगा एक फर्नेस बनाने के लिए। तो फिर हम ऊपर चलते हैं, जल्दी से अपनी फर्नेस क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे ये विलेजर्स काफ़ी अच्छे फार्मिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ पे एक फार्म भी बना सकते हैं ऑटोमेटिक, जिससे हमारे पास खाना या ब्रेड आए। एक फर्नेस, मैं जल्दी से एक फर्नेस बना लेता हूँ, और कोल तो हमारे पास है नहीं, तो हमें शायद लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। तो उसकी जगह मैं ये शायद ये स्टोन का टूल होगा, ये जल जाए तो ये नहीं जल रहा, तो शायद ये जल जाए, तो ये इससे हम थोड़ा सा खाना पका लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पक पाएगा तो हम ये डाल देते हैं, तो हमें बस थोड़ा सा खाना चाहिए। तो एक घर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये लूँगा ओक लॉक्स, तो ओक लॉक्स को सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा लगाऊंगा। हमारा घर का फेस थोड़ा इस तरफ होगा शायद से, मेरे ख्याल से हाँ। तो फिर हम सबसे पहले कोने में ऐसे नहीं,
ऊपर की तरफ करके हमें लगानी होगी ओ क्लॉक। तीन ओ क्लॉक यहाँ लगाएंगे और फिर थोड़ा सा गैप देके जैसे एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, इतना घर बड़ा काफ़ी रहेगा। और फिर ऐसे ही हम पीछे को ले जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर हम यहाँ पे एक यहाँ पे ये लगा देंगे। ये गलती से लग गई तो इसे मैं जल्दी से हटा दूँगा। शायद हमारा फूड भी पक गया होगा तो हम जाते हैं उससे लेते हैं। फूड भी पक चुका है हमारे पास तो इसे खा लेते हैं, भूख तो काफ़ी लग रही है। तो यहाँ से भी उतना ही गैप रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर दो ब्लॉक्स। तो अब हमें इसे एक क्या कहते हैं इसे हमें ओ क्लॉक्स प्लैंक्स से हमें इसे कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बीच में एक गेट लगाएंगे ऐसे। नहीं गाइस ये तो गलत हो गया थोड़ा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे गेट बन जाएंगे दो बीच में, तो फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी जगह डर्ट ब्लॉक ला देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा गेट कहाँ पर है, या फिर हम ऐसी खाली जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक हमें खिड़की बनानी होगी, इस तरह से, और इसको यहाँ पे हमें पूरा कवर कर देना चाहिए। बाद में हो सके ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे खिड़की भी बना देंगे ताकि हमारा घर अच्छा लगे। अब ये जगह भी बच्चे इसे भी कवर कर देते हैं, दो जगह बच्चे हैं दो वॉल्स, तो हम इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। और ये जो सीलिंग रहेगी हम उसे हम उसको हम कैसे हम प्लैंक से वो स्लैब से बनाएंगे, तो उसे उसके लिए हमें ज़्यादा वुड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको बनाने का शायद स्टैक वाइज कोई वो नहीं है तरीका जैसे अपना जावा में रहता है। मैंने बहुत पहले खेला था माइनक्राफ्ट तो मुझे थोड़ा याद नहीं है कि इसमें होता है भी है कि नहीं ऐसा। तो हम जल्दी से स्लैब बना लेते हैं, एक टेक्स्ट तो मोर देन इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से शायद। तो हम इसको ऊपर वाले स्लैब ब्लॉक पे लगाएंगे ऐसे करके। तो जल्दी से मैं इसे फिल कर लेता हूँ, थोड़ा गलत हो गया पर कोई बात नहीं, हम इसे सही कर देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कम पड़ेंगे स्लैब्स। नहीं तो ये तो एकदम परफेक्ट आ गए हैं। और कुछ ऊपर रह गए तो उसे हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे या फिर ज़रूरत नहीं है उसकी वैसे भी कुछ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर लगा दूँ या फिर यहाँ पे स्टेयर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बर्च लॉक की स्टेयर्स लगा सकते हैं अगर अच्छा लगे, या फिर स्लैब्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम बर्च लॉक के प्लैंक्स बना लिए हैं, तो हम यहाँ पे थोड़े से स्लैब्स लगाते हैं। या अगर हम क्राफ्टिंग टेबल पे तो हम यहाँ से बनाएंगे थोड़े से स्लैब्स। और ये ओक लॉक का डोर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे लाने की सोचूँ। तो ऐसे तो ये तो सही लगेगा मुझे, तो मैं यही लगा देता हूँ और बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये। गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बस इसमें गेट लगाने रहते हैं और यहाँ पे हम फेंस लाएंगे थोड़ी सी खिड़कियाँ बनाने के लिए। तो एक क्राफ्टिंग टेबल मैं अपने घर के लिए भी बना लेता हूँ ताकि हमें इतनी दूर ना जाना पड़े। और एक बेड तो हमारे लिए बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम बुल रास्ते में से ही कलेक्ट कर लिया, तो हम रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। और चेस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है अपना सामान रखने के लिए, तो चेस्ट अपने बेड के बगल में रख के थोड़ी बहुत फेंस बना लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ फेंस इसकी बनाए स्प्रूस वुड की, पर इतनी ज़्यादा हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो फिर इसी की बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे एक, और अब यहाँ डोर्स रहते हैं तो हम यहाँ पे डोर्स भी लगा देंगे और एक प्रेशर प्लेट लगा देंगे अंदर से ताकि हमें डोर खोलने में आसानी रहे।
तो गाइस हमने घर बना लिया है, तो इस वीडियो में इतने, अगली वीडियो में मैं पहले से सामान कलेक्ट कर लूँगा जैसे आयरन वगैरह, ताकि हम एडवेंचर पे जा सकें या फिर हम कुछ नई चीज़ बनाएं या फिर नेदर बनाएं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।